आज पीपल फार्म के किचन से मैं आपके साथ एक पौष्टिक नाश्ते की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। बढ़ते बच्चों को प्रोटीन की बहुत ज़रूरत रहती है और हमें पता है कि दालें प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स है, पर बच्चों को दालों में इंटरेस्ट नहीं रहता। उनका इंटरेस्ट रहता है कि वो फास्ट फूड में बर्गर, रोल ऐसी चीज़ें खाएँ। तो आज की जो रेसिपी है उसमें मैंने बहुत ही सिंपल इंग्रेडिएंट जैसे पीली मूंग है उसका इस्तेमाल किया है और आपको बताया है कि वो आप रोल्स कैसे बना सकते हैं। ये रेसिपी बड़े और बच्चों दोनों को ही पसंद आएगी, तो चलिए रेसिपी देखते हैं। सबसे पहले हम एक बड़ा कप पीली मूंग की दाल लेंगे और उसे पानी में भिगोकर रात को रख देंगे। अगले दिन हम उसे मिक्सी में थोड़े पानी के साथ अच्छी तरह से पीस लेंगे। इस मिक्सचर को आपको बहुत पतला नहीं करना, इसको आपको गाढ़ा ही रखना है, उतना गाढ़ा जितना कि आप बेसन का घोल बनाते हैं पकौड़े बनाने के लिए। इस मिक्सचर को पीसते हुए आप इसमें अपने स्वाद के हिसाब से थोड़ा सा नमक डाल लीजिए और चाहें तो थोड़ा सा लहसुन भी डाल सकते हैं। इस चिले को भरने के लिए मैं इस्तेमाल कर रही हूँ धनिया, प्याज, हरी मिर्च और शिमला मिर्च। आप चाहें तो अपनी पसंद की कोई और सब्जी भी इसमें डाल सकते हैं। और इसमें मैंने घर का बना हुआ टोफू डाला है। अगर आपने घर पे कभी टोफू नहीं बनाया तो हमारी डिस्क्रिप्शन में घर पे टोफू बनाने का लिंक भी है। अब एक बोल में इन कटी हुई सब्जियों को और टोफू को मिक्स कर लीजिए और इसमें अपने स्वाद के अनुसार नमक भी डाल लीजिए। चीला बनाने के लिए आप तवे का इस्तेमाल कर सकते हैं और चाहें तो नॉनस्टिक पैन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जब मीडियम सेक पे तवा अच्छी तरह से गर्म हो जाए तो उस पे थोड़ा सा तेल लगा लीजिए। चीले का जो मिक्सचर हमने मिक्सी में पीसा है अब उसे हम करछी की मदद से तवे के बिल्कुल बीच में डाल देंगे और करछी की मदद से उसे गोल घुमाते हुए तवे पे फैला लेंगे। ताकि चीला तवे पे ना चिपके तो आप चाहें तो थोड़ा थोड़ा तेल उसके कोनों पे लगा सकते हैं। चीले को 1 से 2 मिनट तक मीडियम सेक पर ही पकने दीजिए और ऊपर की परत का जब गीलापन खत्म हो जाए तो जो टोफू का हमने मिक्सचर बनाया है वो इसमें डाल दीजिए। स्टफिंग डालने के बाद चीले के जो दोनों कोने हैं उनको फोल्ड कर लीजिए और उसका रोल बना लीजिए। अब ये रोल सर्व करने के लिए तैयार है। आप चाहें तो इसे मीठी चटनी या पुदीने की चटनी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। जो रेसिपीज हमने आपके साथ पहले शेयर की हैं वो आप हमारे YouTube चैनल पर देख सकते हैं और उसका लिंक है youtube.com/peoplefarm।